तो आज है हमारे विजडम कीपर्स वॉइस का फर्स्ट एपिसोड, और आज जो हमारे साथ फर्स्ट गेस्ट, हमारे फर्स्ट स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका नाम है रजत जायसवाल प्रभु। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की थी SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से। एक रिलीजियस फैमिली को बिलोंग करते थे। इनको भी बचपन में वही सब क्वेश्चंस थे जो कि सबको होते हैं कि इनकी लाइफ का पर्पस क्या है, दुनिया में इतनी सफरिंग्स क्यों हैं, और इनको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर एक जगह पे मिले जिसका नाम था इस्कॉन में। इस्कॉन में वो डिवोटीज के साथ जुड़े और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जब उन्होंने इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे वैदिक लिटरेचर्स में, हमारे जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवत के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को इस्कॉन को ही डेडिकेट करने का फैसला किया। प्रभु जी के पास भक्ति शास्त्र की डिग्री है इन इस्कॉन में, भक्ति वैभव की डिग्री अभी वो करंटली परस्यू कर रहे हैं। इनिशियली प्रभु जी ने 70 डिवोटीज को मैनेज किया था, जो कि उन्होंने इतने एंथुजियास्टिकली, इतने अच्छे से किया, जिसके बाद इन्हें बहुत जल्दी ही आगे पोजीशंस ऑफर हुए। इसके बाद प्रभु जी ने गेस्ट केयर, कीर्तन सब में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद प्रभु जी को आज मगरपट्टा वॉइस पुणे में प्रोजेक्ट मैनेजर का टाइटल दिया गया, जिसके द्वारा वो आज हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ कॉर्पोरेट्स को टीच करते हैं, प्रीच करते हैं, और उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस के टुवर्ड्स लेके जाते हैं। ये हमारा जो आज का सेशन है बहुत ही इंटेंस होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आई होप आप लोगों को पसंद आया ये सेशन, और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो में जितना आपको सीखने के लिए मिलेगा, जो भी आपको आंसर्स मिलेंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, दैट इज माय गारंटी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एंड आज जो हम अपना फर्स्ट शूट कर रहे हैं, जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमेशा एक रहता है, लॉर्ड कृष्णा वर्सेस लॉर्ड शिवा का, बिकॉज मैंने और आपने भी ये चीज़ बहुत देखी होगी कि जो भक्त हैं दोनों डीटीज के, वो हमेशा एक विवाद रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे आपका टेक क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हरे कृष्णा। सो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये विषय आपने निकाला है भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच में। जी जी। तो आपका प्रश्न जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि भगवान शिव या भगवान कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है। जी जी जी। तो हम देखेंगे कि, तो आपने पूछा इसमें मेरा क्या राय है। जी। तो मेरा राय से पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारे शास्त्र के क्या राय है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं बिल्कुल इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही हम एक भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं जी, तो पहले हमें समझना होगा कि ये भगवान शब्द का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है भगवान। जी। हम देखते हैं इसमें दो वर्ड है, एक भग एंड वान। भग मीन्स संस्कृत में बोला जाता है, भग मीन्स ऑपुलेंस, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऑपुलेंस, मतलब ऐश्वर्य। हाँ जी। और वान मतलब उसका पोजेसर, ऐश्वर्य का जो रखने वाला, जैसे धनवान बोलते हैं, धनवान मतलब वेल्दी पर, वेल्थ का पोजेसर। विद्वान, विद्वान मतलब नॉलेज का पोजेसर। उस प्रकार भगवान मतलब भग मीन्स ऑपुलेंस। तो हम देखते हैं विष्णु पुराण के में एक श्लोक आता है जहाँ पे ये चर्चा होती है, पराशर मुनि जी बताते हैं कि एक श्लोक आता है जिसमें उसको पढ़ना चाहूंगा, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य से चैवा समानम भगम इति गणा। तो भगवान वर्ड का मतलब होता है कि जिसके पास छह प्रकार के ऑपुलेंस फुल हों, कि सिक्स ऑपुलेंस, ऐश्वर्य से सारी प्रकार की जो रिच है, वेल्थ है, वो होनी चाहिए सबसे पहला। सेकंड, समग्र से मतलब वो बहुत ही बलशाली होना चाहिए, फुल स्ट्रेंथ होना चाहिए। देन वीरस्य यशसः मतलब यश होना चाहिए, यश मतलब इन्फ्लुएंस, फेमस होना चाहिए फुल ऑल ओवर द ब्रह्मांड। फिर श्रिया, श्रिया में सुंदरता होना चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर सुंदरता होना चाहिए। देन आता है ज्ञान, मतलब विजडम, वो नॉलेज होना चाहिए, वो होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वैराग्यम चैव, वैराग्य मतलब ये सब होने के बाद भी वो एक अनअटैच्ड होना चाहिए, रिनंशिएट होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए। तो जो ये छह प्रकार के ऑपुलेंस ऐश्वर्य को रखता है, उसको हम सबसे पहले भगवान बोलते हैं। ओके। ये है भगवान शब्द की डेफिनेशन, जी उसकी व्याख्या।
जी हम एक श्लोक देखेंगे जो श्रीमद् भागवतम में आता है। मैं आपको जी जस्ट वो श्लोक दिखाता हूँ जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में बोलते हैं। तो जहाँ तक मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं, ये सारा हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, वहीं से हम वो या सुनना है। हम जो भी बात करेंगे अपने जी शास्त्र के आधार पे ही बात करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल देखिए, ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में है। जी क्या बोलते हैं इसमें सुध गोस्वामी कि एते चम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं जी इंद्रारी व्याकुलम लोकम विदयन्ति युगे युगे। मतलब बोल रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव मेंशन इनकारनेशंस आर इधर प्लेनरी पोर्शंस और पोर्शन ऑफ प्लेनरी पोर्शंस ऑफ द लॉर्ड, बट श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो बोल रहे कि जो जितने भी हम देवी या देवतागण को देखते हैं या भगवान के डिफरेंट जो अवतार हैं वो क्या जी है, भगवान के अंश हैं, हाँ लेकिन जी भगवान जो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बोल जी रहे हैं भगवान कृष्ण ही, आप ही क्या हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जैसे हमने एक भगवान वर्ड का अभी व्याख्या देखा तो बिल्कुल वो बिल्कुल कृष्ण के अंदर ये सारी छह चीजें हमें फुल ऐश्वर्य पाई जाती है। जी 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 और यहाँ पे पुष्टि हो रही है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो हम जैसे अभी आपने ये तो हमने जनरल देखा, तो हाँ यहाँ एक जी ब्रह्मा ब्रह्मा जी भी बोलते हैं हाँ जी ब्रह्म। हम ये भी देखते हैं कि ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं जी ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंदम सर्व कारण कारणम। क्या जी बोलते हैं ब्रह्मा कि ईश्वर परमा कृष्णा। तो जो ईश्वर है वो कौन है, कृष्ण है, कृष्णा ही ईश्वर है जो जी गोविंद के नाम से भी जाने जाते हैं, ऐसा जी बोलते हैं। तो जी ब्रह्मा जी भी पुष्टि कर रहे हैं कि जी ईश्वर कौन है, भगवान कृष्ण ईश्वर है, ऐसा बताते हैं। और फिर एक और श्लोक में हम देखेंगे ब्रह्म संहिता के ही 45वें श्लोक में कि मैं व्याख्या बताता हूँ कि जैसे उसमें बोला जाता है कि जैसे एक दूध होता है, दूध में हम कुछ एसिडिक रिएक्शन कर दें तो जी वो किसमें बदल जाता है, दही में बदल जाता है, कर्ड में बदल जाता है। वो दूध से जो दही है वो कहाँ से बन रहा है, दूध से ही बन रहा है, लेकिन वो दही क्या है, अलग है, भिन्न है, मतलब दूध से अलग है, दूध नहीं मान सकते, लेकिन बन कैसे रहा है, वो दूध से ही बन रहा है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो भगवान शिव है, जो शिव शंभू है, वो क्या है, भगवान कृष्ण के ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ भगवान जी कृष्ण के एक ट्रांसफॉर्मेशन है टू परफॉर्म द दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, उस एक प्रत्येक एक कार्य करने के लिए जी उनका अवतरण होता है, हाँ ऐसा जी समझा ऐसा मैं बता रहे समझा हैं। जी जी कि अभी हम एक श्लोक देखेंगे कि जी माता पार्वती, जैसे जी हम शिव जी को देखते हैं तो जी शिव जी हमेशा क्या करते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, शिव जी बिल्कुल हमेशा ध्यान करते हैं। तो बिल्कुल माता पार्वती पूछती है कि हे स्वामी आप किसका ध्यान कर रहे हैं, ध्यान आप कर कैसे ले हैं। ये श्लोक आता है कहाँ आता है, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है, जी मध्य लीला के 9वें अध्याय में। तो क्या माता पार्वती पूछती है कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं हमेशा। तो भगवान शिव यहाँ पे क्या श्लोक बोल रहे हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वरानने। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, ट्रांसलेशन इसका है, लॉर्ड शिवा एड्रेस्ड हिज वाइफ दुर्गा, ओ वरानना आई चैंट द होली नेम ऑफ राम 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 एंड दस एंजॉय दिस ब्यूटिफुल साउंड, दिस होली नेम ऑफ रामचंद्र इज इक्वल टू 1000 होली नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि श्री भगवान शिव, जो शिव है, वो किसकी आराधना कर रहे हैं, राम भगवान यानी श्री राम विष्णु की आराधना, जी जी हाँ खुद वो राम की आराधना कर रहे हैं। तो जी उनके जी आराध्य कौन हुए, शिव जी के आराध्य कौन है, यहाँ पे भगवान राम है, राम है जी जी हाँ जी क्योंकि वो खुद ही आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल तो इससे ये बिल्कुल भी पुष्टि होती है कि जो अभी आपने प्रश्न पूछा कि हमेशा विवाद रहता है कि भगवान शिव श्रेष्ठ है कि कृष्ण श्रेष्ठ है, बिल्कुल यहाँ से हम देख सकते हैं। आज आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत ही एक रिटन एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आपने कहाँ से मतलब ये चीज़ बोली। आपने आज सारे स्क्रिप्चर्स दिखा दिखा के जो हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन किया है, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी आज तक इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा।
एक इस क्वेश्चन में एक और श्लोक दिखाना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा श्लोक है वो, बिल्कुल तो बिल्कुल, जस्ट ताकि लोगों को और एकदम पुष्टि हो जाए कि एग्जैक्टली आदि एग्जैक्टली लीला के 5.142 में भी ये श्लोक आता है जी कि एकले ईश्वर कृष्ण और सभ्य भृत्य यारे जी ऐसे नचाएते तैसे करे नित्य। तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं लॉर्ड कृष्ण अलोन इज द सुप्रीम कंट्रोलर एंड ऑल अदर्स आर हिज सर्वेंट्स, सर्वेंट्स। परफेक्ट, यस भगवान कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है जो जी सुप्रीम कंट्रोलर है और बाकी सब उनके दास हैं, बाकी सब उनके सेवक। सेवक है तो यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, तो फिर लोग बोले क्या शिव जी को आप निंदा कर रहे हैं? नहीं, हम एग्जैक्टली शिव जी की निंदा नहीं कर रहे, क्या शिव जी जी को ऐसा नहीं बोल रहे कि आप शिव जी को मानो मत। शिव जी तो वैष्णवों में, भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसकी भी पुष्टि श्रीमद भागवतम में की गई है। जस्ट वो जी एक श्लोक दिखा के मैं ये प्रश्न को एंड करूंगा। जी तो जी 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में है, जी क्या बोलते हैं वहां पे? ये श्लोक आता है, निम्न गानम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। जैसे नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा देवों में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है? अच्युत है, मतलब विष्णु है। हाँ उसी जी प्रकार वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु का भक्त, वैष्णव विष्णु के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शंभु है, भगवान शिव शिव सबसे जी श्रेष्ठ है। यस अब यस पुराना नाम इदम तथा, जी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद भागवतम। तो यहाँ पे बोले जस्ट एज द गंगा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, लॉर्ड अच्युता द सुप्रीम अमंग डीटीज, लॉर्ड शंभु द ग्रेटेस्ट ऑफ वैष्णव, सो बिल्कुल श्रीमद भागवतम ऑल्सो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पुराण। तो हम जब भी हम ऐसा शिव जी के करीब आए या शिव मंदिर जाए, उनसे हम जी प्रार्थना कर सकते हैं कि ये हमें भक्ति, कृष्ण भक्ति में प्रगति करे, हमारा प्रभु कृष्ण भक्ति हमें कृष्ण की ओर ले जाए। जी, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है जब वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं या थोड़ा टाइम बिता चुके होते हैं। इनिशियल स्टेज पे वो जैसे कोई लॉर्ड हनुमान को वर्शिप कर रहा है, कोई लॉर्ड कृष्णा को वर्शिप कर रहा है, कोई लॉर्ड शिवा को वर्शिप कर रहा है, बट जैसे जैसे वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, जो उनका ड्राइविंग फोर्स है वो किसी और डीटी की टूवर्ड्स हो जाता है। जैसे इनिशियल स्टेज पे लॉर्ड शिवा है तो बाद में लॉर्ड कृष्णा हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको किसको सुप्रीम पर्सनालिटी मानना चाहिए, जो इनिशियल वाले हैं या जो बाद वाले हैं, और कैसे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए इस स्टेज में। जैसे हम प्रगति करते हैं आध्यात्मिक मार्ग की ओर, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति किसी दूसरे डीटीज के प्रति या दूसरे देवी देवताओं के प्रति आकर्षित क्यों हो जाता है, उन्हें कि हम खींचते ही क्यों हैं, जी क्यों हम खींच रहे हैं कृष्ण की ओर या शिव की ओर। से पहले हमें देखना है कि हम क्यों खींचते हैं, वहां पे जी हम क्यों आकर्षित हो रहे हैं, वो आकर्षण का हमारा बेस क्या है। तो ये एक श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, यहाँ पे भगवान बोलते हैं, जी काम शस्त्र हित ज्ञाना प्रपद्यते अन्य देवता, जी साम तम नियमम अष्टाया प्रकृत नियता स्वया। क्या जी बोल रहे हैं? दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर सरेंडर अन टू डेमी गॉड्स एंड फॉलो द पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर। तो बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण की, जिसका जो इंटेलिजेंस है मतलब बुद्धि है, वो भौतिक इच्छाओं के द्वारा, उसका बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा भर चुका है, स्टोलन हो चुका है, तो जी चुराया गया है, चुरा जी लिया गया है किसके द्वारा? भौतिक इच्छाओं द्वारा। तो द्वारा वो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं के प्रति आकर्षित होते हैं, जी इसके कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण। तो जी जैसे हम देखते हैं बहुत लोग सूर्य देवता की आराधना करते हैं, क्यों करते बिल्कुल हैं? उनकी भौतिक इच्छा रहती है, क्या इच्छा? कि मेरी अच्छी बॉडी बन जाए, मैं जी अच्छा दिखने में लगूं, मैं एकदम स्वस्थ रहूं, ये भौतिक इच्छा है, ये जी जी आध्यात्मिक इच्छा नहीं। जी तो जी कुछ लोग माता दुर्गा की आराधना करते हैं, वो क्यों आराधना करते हैं? वो बोलते हैं सुख समृद्धि घर आवे, तो मतलब सुख समृद्धि धन चाहिए उनको। जी या बहुत सारे लोग एक डिफरेंट व्रत करते हैं जी अच्छे एक हस्बैंड के लिए, जी वो जी माता दुर्गा की आराधना करते हैं। हम जी देखते हैं कुछ लोग गणेश जी की आराधना करते हैं, क्यों? जी उनको बुद्धि मिले ताकि वो एग्जाम्स अच्छे से कर सके। तो ये सब जी भौतिक इच्छाएं हैं।
भगवान शिव को भी क्या बोला जाता है, आशुतोष बोला जाता है। क्यों? अच्छा क्योंकि वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। अच्छा तो लोग उनके पास भी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं लेके जाते हैं, हमारे को बढ़िया घर दे दो या बंगला दे दो, ऐसा बहुत सारी भौतिक इच्छाओं के कारण जाते हैं। तो हमें भौतिक इच्छाएं लेकर भगवान के पास नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं जो है वो शाश्वत नहीं है, वो अशाश्वत है, मतलब टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब क्या, जो समय के साथ नष्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो ये जो भौतिक इच्छाएं जो भी हम मांगेंगे वो भले ही भगवान हमको पूरी कर देंगे, ये डिफरेंट देवी देवतागण हमको दे देंगे, लेकिन वो समय के साथ नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमें भौतिक भौतिक इच्छा से किसी भी देवी देवता के गण नहीं, पास नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। हमें किस इच्छा से जाना चाहिए? आध्यात्मिक इच्छा से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक इच्छा जो है वो परमानेंट है। आध्यात्मिक इच्छा परमानेंट है, भगवान की जो भक्ति है वो परमानेंट है, जी वो हमारे मृत्यु के साथ, वो समय के साथ नष्ट नहीं होगी। सॉल्यूशन क्या है कि हमको अपनी भौतिक इच्छाओं को शुद्ध करना है। शुद्ध करना है। तो जैसे हम अपनी भौतिक इच्छाओं को अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे तो हमारी इच्छाएं प्यूरिफाई हो जाएंगी। तो जैसे जैसे इच्छाएं प्यूरिफाई होंगी तो हम गुडनेस सत्वगुण के लेवल पे आएंगे, और जैसे ही सत्वगुण के लेवल पे आएंगे तो हमारी जो इच्छाएं हैं शुद्ध हो जाएंगी। और जब हम शुद्ध इच्छाओं से हम जाएंगे तो हम भौतिक इच्छा की कामना ही नहीं करेंगे। जब हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी तो हम भौतिक इच्छा की कामना ही नहीं करेंगे, और जब भौतिक इच्छा की कामना नहीं रहेगी तो हम अलग अलग देवी देवताओं के पास जाएंगे ही नहीं भौतिक इच्छा के लिए। तो हम किसके पास जाएंगे? भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, जो हमें परमानेंट सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, शाश्वत सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। वो क्या है? उनकी भक्ति। तो एक बार एक श्लोक हम देखेंगे हमारे चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला में आता है, तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। कि इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी आराधना, ये भी माता पार्वती ही पूछ रही है, किससे पूछ रही है? शिव जी से पूछ रही है कि किसकी आराधना सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे शिव जी बताएंगे किसकी आराधना श्रेष्ठ है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में, तो वो हम श्लोक आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे भगवान शिव दुर्गा जी को बोल रहे हैं, माता दुर्गा को बोल रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात परातरम देवी तदीया नाम समार्चनम। तो क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, पढ़ेंगे। लॉर्ड शिवा टोल्ड टू गॉडेस दुर्गा, माय डियर देवी, मेरी देवी, ऑल्दो द वेदास रिकमेंड वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स। हालांकि जो वेद शास्त्र है, वेदास है, वो अलग अलग देवी देवताओं के वर्शिप के लिए बोलते हैं, लेकिन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु इज टॉप मोस्ट, कि भगवान विष्णु की अर्चना करना सबसे टॉप पे है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे भगवान स्वयं कौन पुष्टि कर रहा है, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं, कौन बोल रहे हैं? भगवान शिव स्वयं बोल रहे हैं, जो सबसे ग्रेट अथॉरिटी है। हम डिफरेंट अलग अलग देवी देवताओं के प्रति ड्रिवेन हो जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं भौतिक इच्छाएं हैं, तो उसको आपको शुद्ध करना है। और जैसे ही भौतिक इच्छाएं शुद्ध होगी तो हम भगवान कृष्ण या विष्णु के प्रति आकर्षित होंगे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। प्रभु जी, मुझे आपका ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा, जो भी आप एक बैकग्राउंड के साथ समझाते हैं और उसके बाद एंड में सॉल्यूशन कंक्लूजन देते हैं एक उसका, ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। एंड आई होप ये चीज़ ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज आज के टाइम में हमारी जो जनता है वो सबूत मांगती है कि सबूत कहाँ लिखा है। आप बोल रहे हो अपनी तरफ से हम नहीं मानेंगे, आप कौन हो हम नहीं मानेंगे, शास्त्र दिखाना। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्रभु जी, वो बहुत ही एक रूटेड क्वेश्चन है, जो कि एक हर एक बच्चे में काफी बचपन से रूट किया जाता है। जैसे मुझे भी बचपन से सिखाया गया था कि सिर्फ एक भगवान है, ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे विष्णु जी है, यहाँ पे कृष्ण है, यहाँ पे बहुत सारे भगवान है। इवन कि आप मतलब थोड़ा भी स्टेट वाइज मूव करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे भगवान हैं। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब हमें बचपन में ऐसा सिखाया जाता है तो अभी ऐसा डिविजन क्यों? प्लीज गाइड कीजिए। करेक्ट। सो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जैसे आप बोले भगवान, तो ये भगवान शब्द का पहले हमको अर्थ अपने दिमाग में घुसा लेना है। बिल्कुल। भगवान शब्द का अर्थ मतलब जो छह ऑपुलेंस उसके छह ऐश्वर्य से परिपूत्र हो, स्ट्रेंथ फेम नॉलेज वेल्थ ब्यूटी एंड रिनंसिएशन। तो हिंदी में भी बोल देता हूँ, वेल्थ मतलब धन जी। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं लखपति करोड़पति, लेकिन विष्णु कौन है?
लक्ष्मी पति है, तो लक्ष्मी लक्ष्मी के ही पति है, तो सबसे बड़े जी धनवान व्यक्ति है। सही बात और है फिर दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ। तो जी हम 1 किलो उठा सकते हैं, 2 किलो उठा सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या उठाया था, पूरा पूरा का गोवर्धन पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। जी और जी किस पे उठाया था, अपने नख पे उठाया था, सबसे छोटी यस उंगली की नख पे। यस यस कितने, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं, 7 दिन 7 रात तक उठाया था। जी जी तो जी वो एकदम भगवान के सबसे बलवान है। जी तीसरा क्या है, नॉलेज, ज्ञान। तो हम थोड़ा ज्ञान अर्जित करके कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं मैं महान हूँ, लेकिन भगवान ने क्या ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान दिया। जो अर्जुन बिल्कुल को गीता का ज्ञान दिया, जो वो बिल्कुल आज भी हमारे जीवन में एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली तो देन नेक्स्ट इज ऐश्वर्य, ब्यूटी, मतलब रूप, भगवान का रूप। इवन भगवान के प्रति ना ही इंसान बल्कि दूसरे भी जानवर है, दूसरे भी योनि के लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, सभी जी आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण के पीछे। पांचवा क्या है, फेमस, फेमस जो विख्यात है। भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता, जी किसी को भी पूछो जानते हैं। अभी विदेशों में भी सब जानते हैं भगवान कृष्ण को, विदेशों जी में भी कृष्ण भक्ति बहुत फैल रही है। तो जी भगवान कृष्ण पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है। जी जी और लास्ट में रिनंसिएशन, यस वैरागी। इतना धनवान होने के बाद भी, लक्ष्मीपति होने के बाद भी वो क्या है, वैरागी है। कैसे, हम देखते हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जी तो भगवान कृष्ण क्या बने थे, सारथी बने थे, साथी ड्राइवर साथी बने थे। अगर यस मैं बोलूं आपको कि आप अपने आप ड्राइवर बन जाओ, आप जी बनेंगे ड्राइवर? नहीं, मेरे लिए बहुत दिक्कत होगा कि मैं यस कैसे किसी का ड्राइवर बन सकता हूँ। जी लेकिन जी भगवान स्वयं अर्जुन के, अपने भक्त के ड्राइवर बन गए। यस तो इतना कुछ होने के बाद भी वो वैरागी, वैरागी है। तो जी इसलिए पहले हमें क्लियर करना होगा कि आपने जो पूछा कि बचपन से हमें सिखाया गया कि एक भगवान है, फिर हम देखते हैं बहुत सारे भगवान हैं, अभी बहुत सारे क्या, हर गली में एक भगवान है कोई भी जी अपने आप को भगवान क्लेम करता है। जी तो हमें बहुत समझना हो, तो जिस आप कोई भगवान क्लेम कर रहा है अपने आप को, तो आपको ये 6 गुण देखने होंगे उसके अंदर। जी और ये 6 गुण उसके पास 1% 2% नहीं, 100% होना चाहिए, जी तो वो भगवान कहलाएगा। जी और एक बार और हमने देखा, जब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को, उन्होंने अपना क्या रूप दिखाया, विश्व रूप दर्शन दिखाया, अपना विश्व रूप दिखाया था हाँ भगवान जी कृष्ण ने अर्जुन को। हाँ जी तो जब विश्व रूप दिखाया था, तो विश्व रूप के अंदर ही सारे देवी देवतागण समा भी दिख रहे थे, हाँ जी सारे देवी देवतागण, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, ओ सब कुछ दिख रही थी उस ओके विश्व रूप। तो ऐसा कौन कर सकता है, जो स्वयं भगवान है वही अपने पूरे अंश को दिखा सकता है। तो इसकी बिल्कुल पुष्टि मैं करता हूँ श्रीमद् भगवत गीता में, भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं। तो मैं जी श्लोक दिखाता हूँ आपको, क्या बताते हैं भगवान, ये श्लोक बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम मूला भाव समन्विता। क्या बोल रहे हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, कि मैं ही सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत का उद्गम हूँ, मैं ही सोर्स हूँ। जी एवरीथिंग इमनेंट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मेरे से ही निकल के आ रहा है। द वाइज हु परफेक्टली नोज दिस एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप विद ऑल देयर हार्ट। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, देवताओं को भी उतना ही आदर देंगे जितना भगवान का आदर देंगे, लेकिन कनेक्शन है। आज जो भी मेरा कंफ्यूजन था इतने सारे भगवानों को लेके, आई थिंक मेरा और हमारे व्यूअर्स का वो कंफ्यूजन भी आपने दूर कर दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। एंड हम बढ़ते हैं उसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैं कृष्ण भक्ति और शिव भक्ति एक साथ कर सकता हूँ? क्योंकि जब मैं इनिशियल स्टेज पे था, मैं ऐसा कई बार करता था। मैं पहले कृष्ण जी जो हमारा महामंत्र है वो चांट करता था, फिर मैं ओम नमः शिवाय भी चांट करता था। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या ये चीज़ सही है, गलत है, या कोई इसका तरीका है जिससे हम दोनों डिटीज की सेम जो है आराधना अगर हम करना चाहते हैं दोनों की, तो हम कर सकते हैं, चाहे वो चांटिंग में हो, चाहे वो कोई भी पूजा करनी हो। तो क्या ऐसा कोई तरीका है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका क्या तरीका है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, कि क्या हम भगवान शिव और भगवान कृष्ण या जो बाकी अलग अलग देवी देवतागण हैं उनकी एक साथ आराधना कर सकते हैं क्या? जी 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 तो देखिए,
एक साथ आराधना एक ही समय पे तो हम किसी एक की ही आराधना कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक समय पे एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो हम कृष्ण भगवान की आराधना कर सकते हैं या शिव जी की आराधना कर सकते हैं या किसी और की आराधना कर सकते हैं जी। तो पर जैसा हमने पहले भी कहा कि पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें आराधना किसकी करनी है। किसकी करनी? लोगों को तो यही नहीं पता होता कि आराधना किसकी करनी है, उनका आराधना करने का गोल क्या है। तो पहले हमें जानना होगा कि हम आराधना क्यों करते हैं और आराधना क्यों करना चाहिए, क्यों वर्शिप करना चाहिए, उसका गोल क्या है जी। तो एक भगवद गीता में एक श्लोक आता है जहाँ पे भगवान बताते हैं जी कि किसकी आराधना करनी चाहिए, ये क्यों आराधना करते हैं। तो ये श्लोक है, यान्ति देवा व्रता देवन पितृ न्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माम यज्ञोपि माम। क्या है इसका अर्थात, इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे कि दो वर्शिप द डेमीगॉड्स। तो डेमीगॉड्स मतलब जैसे हमने बताया कि देवी देवतागण, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो देवी देवतागण हैं हमारे धर्म में, तो वो जो वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स, वर्शिपर्स ऑफ डेमीगॉड, व्हाट दे विल टेक बर्थ अमंग डेमीगॉड्स, जो देवी देवताओं की पूजा करेगा तो वो अगले जन्म में वहां पे जन्म लेगा। कहाँ पे? देवी देवताओं के लोक में, वहां उनके साथ जन्म होगा उनका। ओके। फिर बोलते हैं पितृ न्यान्ति पितृव्रता, मतलब दोज हु वर्शिप द एंसेस्टर्स, गो टू द एंसेस्टर। जो हम देखते हैं बहुत लोग अपने पूर्वजों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो लोग उनकी पूजा करते हैं तो वो उनके धाम में जाएंगे, उनके पास जाएंगे मृत्यु के बाद जी। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो लोग देखो यहाँ बोल रहे हैं भगवान, दोज हु वर्शिप घोस्ट एंड स्पिरिट विल टेक बर्थ अमंग सच बीइंग। हम देखते हैं कुछ लोग घोस्ट और स्पिरिट्स, जो घोस्ट भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका क्या होगा, वो लोग भूत प्रेतों के बीच में जन्म लेंगे। ओके। लास्ट में भगवान क्या बोलते हैं, यान्ति मग याज्ञोपि माम एंड दोज हु वर्शिप मी विल लिव विद मी। जो मेरी आराधना करेगा, मतलब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मेरी जो कृष्ण की आराधना करेगा वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, वो मेरे साथ रहेगा। तो अब आप ही डिसाइड करिए यहाँ पे, आपको देवी देवताओं को साथ रहना है, आपके पूर्वजों के साथ रहना है, कि भूत प्रेतों के साथ रहना है, कि भगवान के साथ रहना है, भगवान कृष्ण के साथ रहना है। जी जी जी। तो हम सभी को भगवान कृष्ण के साथ ही रहना है। क्यों? क्योंकि एक बार उनके पास जाने के बाद हम वापस दोबारा इस भौतिक दुनिया में नहीं आते। बाकी सब जगह हम जन्म लिया, अगर डेमीगॉड देवताओं के पास जन्म लिया तो फिर से वापस आना पड़ेगा, पूर्वजों के पास जन्म लिया तो हमको वापस आना पड़ेगा, भूत प्रेतों के पास जन्म लिया तो वापस आना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। लेकिन भगवान कृष्ण के पास हम जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरे धाम में जो भी आता है वो वापस दोबारा फिर से कष्ट भोगने वह ये भौतिक जगत में नहीं आता, वो हमेशा वैकुंठ में रहता है। वैकुंठ का मतलब होता है, कुंठ मतलब परेशानियां जी, और वैकुंठ मतलब जहाँ पे परेशानियां या समस्याएं नहीं है जी। तो ये वर्ड को कुंठ बोला जाता है, ये भौतिक जगत को जहाँ हम रह रहे हैं, और जो भगवान का धाम है वो वैकुंठ है, जहाँ पे सारी परेशानियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि हमें अगर हम किस जिसकी आराधना करेंगे हम उसके पास जाएंगे अगले जन्म में जी, जब भी हमारा होगा। तो जैसा कि आपका प्रश्न था कि हम एक साथ भगवान शिव का भी मंत्र जप कर सकते हैं क्या, भगवान कृष्ण का भी जप कर सकते हैं क्या जी, तो कर सकते हैं आप। भगवान शिव की भी आराधना कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की भी कर सकते हैं, बाकी देवताओं का भी कर सकते हैं, लेकिन हमको देखना है कनेक्शन क्या जी, किस कनेक्शन में करना है। भगवान शिव की भी आराधना कर सकते हैं कि हे भगवान शिव जी मुझे कृष्ण की ओर ले जाओ, मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करो, इस भाव से हम भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। बाकी इस भाव से नहीं करना है कि मैं आपका ओम नमः शिवाय जाप कर रहा हूँ, मंत्र कर रहा हूँ कि मुझे भौतिक लाभ, मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ऐसा इस भाव से नहीं, बल्कि हमें भक्ति भाव से तो भगवान शिव की आराधना करनी है। और भगवान शिव हमने देखा पहले भी, भगवान शिव स्वयं भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। इसकी पुष्टि हम एक छोटे से श्लोक से करेंगे कि भगवत श्रीमद भागवतम में एक श्लोक आता है कि कैसे हमें आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला जाता है भागवतम के हम इस चौथे स्कंद के, श्रीमद भागवतम के चौथे स्कंद के
31वें अध्याय के 14वें श्लोक में देखेंगे। ये श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण बोला गया है जी। अमल मतलब, मल मतलब क्या होता है, मल मतलब गंदगी जी। और अमल, अमल मतलब जिसमें कुछ भी गंदगी नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बोला गया है, इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, एकदम सब शुद्ध है, इसकी जो ज्ञान है एकदम शुद्ध है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये श्लोक, यथा तरोर मूल निश्चनेना तृप्यन्ति तत्स्कंदा भुजोपशाखा प्राणोपच च यथेन्द्रियाना तथैव सर्वहम अच्युते ज्या। एज पोरिंग वाटर ऑन द रूट ऑफ ट्री, अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डाल रहे हैं तो एनर्जाइजेस द ट्रंक ब्रांचेस ट्विग्स एवरीथिंग एल्स, तो बाकी जो चीजें हैं ऑटोमेटिक एनर्जी मिल जाती है जी। जिस प्रकार सप्लाइंग फूड टू द स्टमक एनलाइवन सेंसेस एंड लिम्स ऑफ द बॉडी, अगर पेट को हम खाना दे रहे हैं तो बाकी सेंसेस और बॉडी के पार्ट ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार सिंपली वर्शिपिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड थ्रू डिवोशनल सर्विस, भगवान कृष्ण की, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कौन है, भगवान कृष्ण है, उनकी अगर हम आराधना करते हैं, भक्तिमयी सेवा करते हैं, डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो दैट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइज द डेमीगॉड्स हु आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो अगर हम कृष्ण की आराधना करते हैं तो बाकी देवी देवतागण ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा रहता है, संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार कृष्ण की आराधना करने से बाकी देवी देवतागण भी संतुष्ट रहते हैं। तो ये हमने देखा। तो आप नाम जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप शिव जी की भी भक्ति करते हैं शुद्ध भाव से, तो भी एक ना एक दिन आपको भगवान कृष्ण की ओर डायरेक्ट करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल। वो अपने पास नहीं रखेंगे, आपको और हायर लेवल में भेज देंगे, जो भगवान कृष्ण। मेरा भी एक ऐसा ही मानना है कि भगवान शिव या जो भी आप पहले डीटी की आराधना करते हैं, वो आपको खुद दूसरे डीटी के पास लेके जाते हैं। वो भी एक पैसेज होता है जिसको आपको पार करना होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है कि आप जो आपका डाइवर्जन है वो किसी, कोई तो उस डाइवर्जन को डायरेक्शन दे रहा है, वही तो उस डाइवर्जन के पास आपको लेके जा रहा है। करेक्ट डाइवर्जन होना चाहिए, करेक्ट रास्ते पे दिखा रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सॉरी, काफी लोगों के आज क्वेश्चंस जो उनको थे वो क्लियर हो गए होंगे इस चीज को लेके कि किसकी पूजा करें, कैसे पूजा करें, दोनों को साथ में पूजा करनी है तो कैसे पूजा करें। आई थिंक आज काफी लोगों के कंफ्यूजन जो है वो इस चीज, इस जो हमने आज ऑर्गेनाइज किया है ये वेबिनार, इसके थ्रू जो है वो आंसर्स उनको आज मिल गए होंगे। इसी के साथ हम अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रभु जी, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सो प्रभु जी, ये क्वेश्चन जो है ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये किसको पूजा करें किसकी ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि लेट सपोज मैं किसी की भी भक्ति करना चाहता हूँ तो मैं कैसे अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करूँ उस डीटी के टूवर्ड्स, सो दैट वो जो डीटी है वो मुझसे खुश हो, मेरी जो जो मैं वर्शिप कर रहा हूँ उनको उससे खुश हो और मुझे उसका अच्छा जो है वो रिजल्ट मिले इन फ्यूचर। तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए प्रभु जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम किसी की भी भक्ति कर रहे हैं तो हम आध्यात्मिक पाथ पे हैं, आध्यात्मिक पथ पे हैं, तो कैसे हम उस पर और प्रगति करते जाएं। जी जी, जी. तो ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो हम देखते हैं कि ये वो भौतिक दुनिया का जो जो सृष्टि रची गई है, तो इसका ऑटोमेटिक क्या है कि नीचे की ओर गिरती है। जैसे हम एक गेंद, एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे जी, वो हमने कुछ प्रगति उसकी कराई, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे गिर नीचे जाएगी। जैसे हम यह कोई स्लोप पे, किसी पहाड़ी पे साइकिल चला रहे हैं जी, तो अगर हम जैसे ही साइकिल चला रहे तो चढ़ती जाएगी, लेकिन अगर जैसे कुछ समय पे हल्का रोका, वो पीछे ब्रेक लगाया या कुछ हमने परिश्रम नहीं किया, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगी जी। उसी प्रकार से भक्ति पाथ में भी बहुत जरूरी है जी, कि भक्ति हमारी हमेशा बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। भक्ति अंत तक बढ़ती ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हमें ठीक है आज मैंने बहुत भक्ति कर लिया अभी ठीक है आराम करते कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति हमेशा बढ़ानी चाहिए। तो भक्ति बढ़ाने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया गया है, ये
मैं अपने अनुभव से भी बोल सकता हूँ और ये शास्त्र भी बोल रहे हैं, जी तो ये हम एक शास्त्र को देख के यहीं पे विराम करेंगे जी कि वो शास्त्र में क्या बोला गया है। जी तो ये हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय में एक श्लोक आता है जहाँ पे इसकी बात बताई गई है कि कैसे भक्ति को स्ट्रांग करें। तो भक्ति के पांच एक महत्वपूर्ण अंग है बहुत ही, कि अगर हम ये पांच चीजों को करेंगे तो हमारी भक्ति बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ेगी। तो क्या है ये श्लोक हम देखेंगे, ये 128वें श्लोक में चर्चा हो रही है मध्य लीला 22वें स्कंद में 22वें अध्याय में। तो ये क्या बोल रहे हैं, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति रा श्रद्धेय सेवन। व्हाट इज टेलिंग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वन शुड एसोसिएट विद डिवोटीज, चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हियर श्रीमद भागवतम, रिसाइड एट मथुरा एंड वर्शिप द डीटी विद फेथ एंड वेनरेशन। अगर ये कोई भी व्यक्ति ये पांच कार्य करता है, क्या पहला कार्य क्या है, साधु का संग करना, साधुओं के साथ रहना, डिवोटीज के साथ रहना, भगवान के भक्तों के साथ रहना, ये पहला। दूसरा क्या है, तो इसको हम शॉर्ट से हमारी लैंग्वेज में समझ लेंगे, ए बी सी डी ई। यस, हमें ए बी सी डी ई से समझते हैं। बिल्कुल। तो ए बी सी डी ई से क्या है, ए ए फॉर एसोसिएशन, मतलब संग। जी। तो हमें साधुओं का संग करना है, हमको एक अच्छे संग में रहना है, गुड एसोसिएशन में रहना है। आज तो देखेंगे कि बहुत बैड एसोसिएशन में, बैड एसोसिएशन बहुत है, लेकिन हमें बैड एसोसिएशन में नहीं रहना, हमको हमेशा गुड एसोसिएशन में रहना है। ईगो कॉन्सेप्ट होता है, गुड इन गुड आउट, और गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम गुड इन लेंगे तो गुड आउट आएगा, गार्बेज इन लेंगे तो गार्बेज आउट आएगा। बिल्कुल। देख सकते हैं रामायण से मुझे जस्ट याद आ रहा है कि माता कैकेयी ने किसका संग कर लिया था, मंथरा का संग कर लिया था। तो मंथरा के कारण ही उन्होंने बोला राम को वनवास के लिए भेज दो, ऐसा राजा से जाके बोलो दस। तो वो असत संग जो मंथरा का लिया कैकेयी ने, उसके कारण इतना ही समस्या हुआ। तो ए फॉर एसोसिएशन, हमारा एसोसिएशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए भक्ति में प्रगति करते हुए। फिर बी, बी फॉर बुक्स, तो हमें क्या हम पढ़ते हैं, हम क्या क्या नॉलेज अर्जित करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी चेतना कैसी होगी। तो हम जैसी नॉलेज अर्पण करेंगे, जैसे शास्त्र पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, तो हमारी चेतना भी प्रगति होगी और भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। जी। तो जैसे उसमें श्लोक में बोला गया श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, भगवद गीता को सुनना चाहिए, रामायण को सुनना चाहिए, महाभारत को सुनना चाहिए, हमारे जो डेली स्टडीज है उनके साथ साथ हमें कुछ समय निकालना चाहिए कि हम भगवत गीता का ज्ञान भी अर्जित कर सके। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों में, पूरे स्कूलों में भगवत गीता वितरण करते हैं, भगवत गीता का कॉन्टेस्ट करते हैं, ताकि बच्चे लोग भी सीख सके भगवत गीता। मैंने एक आपकी वीडियोस देखी थी पिछले 2-3 महीने पहले, जिसमें आप भी भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे, कुछ प्रश्न पूछ के गीता का वितरण कर रहे थे, तो बहुत अच्छा है, इससे समाज में गीता का ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये बी फॉर बुक्स, तो ये बी से बुक्स, ए बी सी, सी फॉर चैंटिंग, तो हमें चैंटिंग करना, चैंटिंग मतलब नाम जप, नाम संकीर्तन। तो भगवान का नाम हम जितना जप करेंगे, ये मंत्र, मंत्र मतलब जो मन को त्रा दे, मतलब मन को डिलीवर कर दे, जो मंत्रायते इति मंत्रा, तो हमारे मन को भगवान के प्रति आकर्षित कर दे, उसको मंत्र बोलते हैं। हम जितना जितना नाम जप करेंगे तो हमारी शुद्धता बढ़ेगी, जैसे जैसे हम भगवान का शुद्ध नाम, जैसे एक लोहा है, लोहा को हम चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो जो लोहा है वो भी चुम्बक की तरह बन जाता है, उससे दूसरा लोहा लाएंगे तो वो चुम्बक की तरह चिपक जाएगा, क्यों, उसके अंदर भी चुम्बक की शक्तियां आ गई। उसी प्रकार जितना भी हम शुद्ध चीजों के निकट रहेंगे तो हम भी उतने शुद्ध हो जाएंगे। जी। तो भगवान का नाम जो है सबसे पावन है, इस कलयुग में नाम जप की बहुत महिमा बताई गई है। तो जितना हम नाम जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, उतना हम शुद्ध होंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। फिर ए बी सी डी, डी फॉर डाइट, डाइट मतलब आहार, हमारा आहार कैसा है। आहार तीन प्रकार के होते हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ, एक तामसिक आहार होता है, एक राजसिक आहार होता है, सात्विक आहार होता है। तामसिक आहार जैसे मांस खाना, मछली खाना, अंडे खाना, ये सब जो तामसिक है, वो बहुत ही जो दूसरों की हत्या करके हम खा रहे हैं। Yes. हमारा पेट का ग्रेवयार्ड है क्या, हम क्या ग्रेवयार्ड तो है नहीं, हमारा पेट की डेड बॉडी डाल रहे हैं, मीट खाना मतलब डेड बॉडी डाल रहे हैं अंदर, और क्या है। Yes, सही बात है।
तो हमारे पेट को ग्रेवयार्ड नहीं बनाना है, तो हमको तामसिक भोजन नहीं खाना है। और तामसिक भोजन तो 4-5 घंटे ज्यादा बीत गए हो, 6 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे 4 घंटे वो भी तामसिक भोजन हो जाता है, तो वैसा आहार नहीं लेना है। क्योंकि जैसा आहार करेंगे वैसा व्यवहार भी होगा हमारा, तो उससे बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है आहार से, अच्छा आहार नहीं करेंगे। दूसरा राजसिक आहार, राजसिक आहार मतलब जो बहुत ही तीखा होता है या बहुत ही पंजेंट है, ऐसा ऐसे भी आहार हमको नहीं लेने चाहिए। हमको सात्विक आहार लेने चाहिए। सात्विक आहार मतलब जो ग्रेन्स हैं, हमारे जो फल हैं, सब्जियां हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स जो दूध से बनाई गई चीज़ें, ये सात्विक भोजन आते हैं। इसको हम भगवान को भोग लगा के, भगवान को अर्पण करके, ये हम सात्विक भोजन जो प्रसाद है वो ले सकते हैं। जी ये है डी, डी फॉर डाइट। ई ई आता है ई फॉर एंगेजमेंट, तो हमको प्रॉपर एंगेजमेंट होना चाहिए। जैसे इसमें बोला क्या, श्लोक पे हमने देखा था क्या बोल रहे थे, मथुरा वास, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिसाइड एट मथुरा एंड वर्शिप द डीटी, तो मथुरा में वास करे और भगवान की सेवा करे। ऐसा नहीं बोला कि किसी बार में जाके रिसाइड करे, किसी गंदे जगह पे जाके रहे, क्लब में जाके रहे, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा है शास्त्र। क्या बोल रहा है, मथुरा वास, भगवान के मंदिरों में वास करना चाहिए, जो सात्विक जगह है वहाँ पे वास करना चाहिए, अच्छी जगह पे रहना चाहिए। बिल्कुल, तो हमें वहाँ पे रह के अच्छा एंगेजमेंट ढूंढना चाहिए। अच्छा एंगेजमेंट क्या है, सबसे अच्छा एंगेजमेंट यही है भगवान और भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। तो भगवान की वहाँ पे अर्चना से अर्च सेवा करेंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति होगी। तो ये हमने 5 चीजें डिस्कस की जो इस श्लोक में भी बोला गया है जी। कि साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति का श्रद्धा सेवन, ये 5 चीजें करेंगे तो हम भक्ति में बहुत ही जल्दी प्रगति लाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड चीज को आपने कितने इजी वे में ABCDE पे हमें समझा दिया, और इससे हमें याद करने में भी इजी रहेगा, क्योंकि ऐसे ही है जो हम चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं इजीली, याद करने में भी इजी रहेगा, और सबसे ज़रूरी है उस चीज़ को अप्लाई करना, क्योंकि याद करना, चीज़ को जानना एक अलग बात है, बट जब तक हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है। तो आई होप कि हमारी ऑडियंस को आज मतलब ये सारी चीज़ें समझ के अप्लाई भी करना है वो भी समझ आ गया होगा, आपकी जितनी भी सारी जो भी हमने आज कॉन्वर्सेशन किया उससे। तो कुछ लास्ट वर्ड्स जो आप हमारी ऑडियंस के लिए बोलना चाहेंगे प्रभु जी? तो सारे ऑडियंस को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना समय दिया, ये भागवत का संदेश, भगवान का जो संदेश है, ये मेरा संदेश नहीं है, ये भगवान का संदेश है, जो गुरु परंपरा का संदेश है, उन्होंने सुना इसको। तो जो भी सुना आपने उसको अप्लाई करिए, जो भी आपने सुना उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अप्लाई करिए। जितना आप अप्लाई करेंगे आपका जीवन शुद्ध होता जाएगा, और जितनी शुद्धता बढ़ेगी तो उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा प्योरिटी बढ़ेगा, और भगवान के धाम को हम जितना ही जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। तो जस्ट या जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको अप्लाई करिए, यही एक संदेश है, जो भी आपने सीखा उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए। हरे कृष्णा। और प्रभु जी, हम जो मैं चाहता हूँ कि हम जो इस वेबिनार की एंडिंग करें वो महामंत्र के साथ करें, तो एक बार हम महामंत्र बोलते हैं एंड फिर हम इस वेबिनार को एंड करते हैं। तो हम सभी भगवान का धन्यवाद प्रकट करेंगे, सभी का धन्यवाद प्रकट करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये दर्शाना कि दोनों भगवानों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है ये दर्शाना कि भक्ति किस भाव से करें, भक्ति करने का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, शक्ति की प्राप्ति के लिए हम शिव जी का पूजन करते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम श्री विष्णु जी का पूजन करते हैं। उसी तरह हमें भी ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारी भक्ति का उद्देश्य क्या है। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और हरिओम का नाम लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हम आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स लेके, जिससे आपको बहुत बहुत बहुत
इन्फॉर्मेशन मिले, हमारे शास्त्रों से इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोग भी इधर उधर की बातों में ना आए, एजुकेट हों और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सो दैट आपका जो क्वेश्चन है वो मिस ना हो, आप इस सीरीज़ का कोई भी एपिसोड मिस ना करें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।